उन्होंने अपने मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ा दी ताकि AK-47 की जो गूंज है वो इंडियन आर्मी तक न पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों तक न पहुंचे। और सुबह जब वो आए वहां छूने के लिए, उस नरसंहार में एक लड़का बच गया था, छोटा लड़का, उसने अपने आप को किसी तरह से लाशों के बीच कहीं छुपा दिया था। सुबह जब वो आया, एक शब्द यूज किया, जब वो पड़ोसी रोना धोना करने लगे, हाय हमारे भाई मारे गए, उस लड़के ने रात भर देखा था कि यहाँ पे क्या तांडव हुआ था, उसने शब्द यूज किया था, मुझे आज्ञा दीजिएगा बोलना चाहता हूँ मैं आपके टीवी के, उसने बोला खबरदार किसी हरामजादे ने इसी किसी लाश को हाथ लगाया। फारूक अब्दुल्ला सुन ले, अगर सुन रहा है तू, तुमने क्या किया उस 19 जनवरी की रात को, ये देखते हुए कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जहादी बंदूक लेके AK-47 लेके गलियों में घूम रहे थे कश्मीरी हिंदुओं को ढूंढने के लिए ताकि उनको मार ले वहां पे। और उस वक्त ये फारूक अब्दुल्ला, ये कायर फारूक अब्दुल्ला, ये भाग गया लंदन चला गया, 6 साल तक वहीं घूमता रहा था, कश्मीर नहीं आया था। मुस्लिम लीग वाले जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान नहीं गए, जानते उनका नारा क्या था? उनका नारा ये था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेके हिंदुस्तान। ये वो दिखा रहे हैं शाहीन बाग में, हिंदुस्तानी तिरंगे के नीचे खड़े होके कहते हैं वही जिन्ना की आवाज, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ISIS की बातें सुनते हो ना जहादी जॉन, हमारे यहाँ कश्मीर में डार बिटा कराटे, उसका मालूम क्या था, वो सूंघता था पिस्तौल जेब में लेके कि कहां उसे कश्मीरी हिंदू की मुश्क आएगी, स्मेल आएगी और उसको मार देगा। ये कश्मीर के अंदर 30 साल पहले देखा, दुनिया ने ISIS की जहादीपन, उनकी बर्बरता आज देखी है। सर्वानंद प्रेमी, एक बहुत बड़े साहित्यकार, उनकी आंखें निकाल दी, बेटा उनके सामने मार दिया, वो थे। और वो ऐसे बड़े साहित्यकार जिन दिनों उनका कत्ल हुआ उन दिनों वो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन कर रहे थे। मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ क्योंकि जब हम ये याद करते हैं ना, मैं सबको बुलाता हूँ, आज हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि हम विक्टिम हुए, हम हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हम आपको पूरे हिंदुस्तान को जागृत करना चाहते हैं। अगर आप हमारे पे चुप रहे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हम लेके रहेंगे। 30 साल से हमारी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान कश्मीर का स्टेक होल्डर हो गया।